केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन मां शारदा महाविद्यालय कालूखेड़ा पुरबा उन्नाव में किया गया। अभियान की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली निकालकर की गई। इसके पश्चात विद्यार्थियों एवं आमजन के बीच एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अभियान की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली निकालकर की गई। इसके पश्चात विद्यार्थी एवं आमजन के बीच एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित विद्यार्थियों एवं जनमानस को मतदाता जागरूकता शपथ दिलवाई गई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री ज्ञान सिंह थानाध्यक्ष असोहा उन्नाव और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आरपी वर्मा प्रबंधक मां शारदा महाविद्यालय उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ज्ञान सिंह ने उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को ईमानदारी से वोट डाला जाना है और अपने गांव के लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि देश के हर नागरिक को अपने मत डालने का अधिकार है। अपनी मर्जी से देश को समाज को सुदृढ़ विकास एवं उन्नति करने वाले व्यक्ति को चुनाव में वोट करें। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर आरपी वर्मा ने कहा कि देश का वो हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो वोट देकर अच्छी सरकार को चुन सकता है। साथ ही आने वाले मतदान तिथि 13 मई 2024 को मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन श्री जय सिंह क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी लखनऊ ने किया। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि देश का लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। आप मतदान तिथि पर सबसे पहले मतदान करने के बाद ही कोई अन्य काम करें। आपके एक एक मत से अच्छी सरकार बनेगी और भारत को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर विद्यार्थी एवं आमजन के बीच मतदाता जागरूकता स्तंभन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पेंशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजय प्रतिभागियों को विभाग की तरफ से आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ के द्वारा पंजीकृत लोक कलाकार हरिओम आल्हा दल उन्नाव के द्वारा मतदाता जागरूकता पर आधारित संदेश प्रद लोकगीत प्रस्तुत किया।